नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद और आप देख रहे हैं हमारा खास ज्योतिष स्पेशल बुलेटिन। हम आपको अंक ज्योतिष के जरिए आपका भविष्यफल बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट संगीता शुक्ला जी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंशुमन जी। और आज मैं सबसे पहले तो हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने कल बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और मुझे बहुत सी बधाइयां भी मिली हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है और हम जी कोशिश करेंगे कि इसमें आपको नई नई जानकारियां देते रहें और छोटी छोटी टिप्स आपको देते रहें, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। संगीता जी, हमारे दर्शक अपना भविष्य जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का मूलांक क्या है, वो जातकों को कैसे प्रभावित कर रहा है? हम 19 अगस्त की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज, तो आप 19 अगस्त के लिए बताएंगे। आज 19 अगस्त 2022 का दिन है और आज जन्माष्टमी भी है, तो इसलिए सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री कृष्ण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, उन्होंने गीता में जो उपदेश दिए हैं, मैं चाहूंगी कि सभी लोग गीता को पढ़ें और उनके उपदेश का पालन करें। इसके बाद आज हम आते हैं कि 19 तारीख, तो आज 19 तारीख को जिनका जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है या जिनके लिए आज का दिन बहुत खास है, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। तो 19 तारीख, 1, 19, 1, 10, 19 और 28, इन तारीखों को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 1 होता है। और जैसे कि कल हमने बताया था कि 1 नंबर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, उसका स्वामी जो है वो सूर्य है। तो सूर्य जो है वो सभी को पता है कि प्लेनेट में सबसे सेंटर में रहता है और उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं। इसका मतलब सूर्य जो है वो हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहता है। तो 1 नंबर वालों की मैं आज कुछ पहले तो खास विशेषता बताना चाहूंगी कि 1 नंबर जिनका होता है, जो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वे लोग कभी भी जीवन में पीछे नहीं हटते, वो जीवन में हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहते हैं। और दूसरा, एक थोड़ा उनमें ईगो भी थोड़ा होता है, थोड़े इगोइस्ट भी माने जाते हैं वो लोग। और सूर्य जैसे तपता है, गर्म होता है, तो वैसे वो दिमाग से भी थोड़े गर्म रहते तो बुरा नहीं मानिएगा, जो मैं तो जो जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता रही हूँ। तो जी आज मैं कार्यक्रम के अंत में एक छोटी सी टिप दूंगी जो सबके लिए काम आएगी। जो 1 नंबर जिनका है मूलांक 1, 10, 19 और 28, इन तारीखों के लिए मैं आज कार्यक्रम के अंत में एक अच्छी सी, एक छोटी सी टिप दूंगी। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए और कार्यक्रम को देखते रहिए। जी। संगीता जी, दर्शकों को बताइए, 1 मूलांक वालों के बारे में बताया आपने। अब जिसकी जन्म जिनका जन्म मूलांक 1 है, उस पर उसका भविष्य क्या होगा आज के दिन? आज जिन लोगों की तारीख 1, जिनका मूलांक है, उनका लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खास करके व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, उनको अपने जो बिजनेस में है आज वृद्धि देखने को मिलेगी, अच्छा बिजनेस मिलेगा। बच्चों के लिए आज का दिन बहुत खुशियों भरा रहेगा, बच्चे आज बहुत ही इंजॉय करेंगे। वैसे भी आप जन्माष्टमी का दिन है तो बच्चे अपना दही मटकी और ड्रेस कंपटीशन में, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में और इन सब के लिए आज बिजी रहेंगे, बहुत ही उत्सुक रहेंगे इन सब कार्यक्रम को करने के लिए। तो और आज का दिन जो है वो 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और 2 यानी चंद्र मूलांक वालों का भविष्य कैसा होगा आज? जिनका मूलांक 2 है, 2, 11, 20 और 29, इन तारीखों का जो मूलांक है वो 2 रहता है, तो इनके लिए भी आज का दिन सफलता इनको मिलेगी। आज के दिन 2 मूलांक वालों के लिए आज उन्नति और लाभ का दिन है, वे लोग भी आज प्रगति कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से इनको शुभ समाचार मिलने का संकेत है।
जी। और बृहस्पति से प्रभावित 3 नंबर वालों के लिए आप कैसा दिन बताते हैं आज? जिनका मूलांक 3 है, 3, 12, 21 और 30, तो इनका जो दिन है आज, इनके लिए आज 70% सफलता मिलेगी। 70% तक आज इनका जो दिन है वो अच्छा जाएगा। 30% जो है इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन या रुकावट देखने को मिल रही है, तो ज्यादा इनको चिंता करने की बात नहीं है। और खास करके जो लोग अपने घर में कुछ नया इंटीरियर करवा रहे हैं या कुछ घर में चेंजेस करवा रहे हैं, उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको जो इसमें बहुत अच्छा जो इंटीरियर डिजाइनर मिलने की संभावना है, और घर का जो इंटीरियर है वो चेंज करवाने से इनका वास्तु जो है वो बहुत सुधरेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा। और मूलांक 4 वालों का भविष्य कैसा होगा आज? नंबर 4 यानी राहु, तो 4, 12, 4, 13, 22 और 31, जिनकी भी यह जन्म तारीख है उनका नंबर मूलांक 4 आता है। तो 4 नंबर वालों के लिए जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए आज 47% सफलता है, और सरकारी नौकरी करने वाले, और आज इनको चौकन्ना रहने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको ऑफिस में भी कुछ दिक्कत आ सकती है, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन 50-50 है, कुछ ज्यादा खास नहीं। जी। और मूलांक 5 यानी बुध ग्रह से प्रभावित लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा? मूलांक 5 यानी 5, 14 और 23, इन तारीखों को जन्मे लोगों का मूलांक 5 है, जो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो इन लोगों के लिए आज 100% पॉजिटिव डे है। तो मूलांक 5 वाले जो है आज बहुत अच्छे रहेंगे। अंशुमन जी की आंखें 4 हो रही है क्योंकि उनका मूलांक 5 है, ये मुझे कल ही पता लगा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, और मूलांक 5 जिनका भी है उनको बिजनेस में तरक्की मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं से शुभ समाचार भी मिलेगा, और आपको नए नए सोर्स भी प्राप्त हो सकते हैं, और समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी। और मूलांक 6 वालों के लिए कैसा दिन होगा आज संगीता जी? मूलांक 6 यानी 6, 15 और 24, इन तारीखों को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है, जो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को। तो नौकरी पेशा या व्यवसाय सभी के लिए आज का दिन पॉजिटिव रहेगा, और साथ ही इनको आज सबसे जो बड़ी अहम बात है कि ये अपने दुश्मनों को आज पहचान पाए। आज तक जो कहते हैं ना पीठ पीछे बात करना, या कहीं से कोई आपकी टांग खींचता है, या आपको कोई जेलेसी करता है आपसे, तो वो जो है वो आज आप लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि आप उनको पहचान पाएंगे, और आप फिर उनसे अपनी दूरी बनाए रख, ये मेरे ये तो को बहुत मुझे बड़ी प्राप्त बात है, बताना है यानी आप। मूलांक 6 वालों को अपने छिपे हुए दुश्मनों की पहचान होगी। और मूलांक 7 वालों के लिए भविष्य कैसा होगा आज? मूलांक 7 वालों के लिए जो 7, 16 और 25, इन तारीखों को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है, जो केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन इनको सुख शांति का अनुभव होगा, बच्चों की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलेगा, और व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन शुभ रहेगा, उनको बिजनेस में आज अच्छे बिजनेस मिल सकता है। और मूलांक 8 वालों का भविष्य कैसा होगा संगीता जी? मूलांक 8 यानी 8, 17 और 26, इन तारीखों को जन्मे लोगों के लिए, वैसे भी जो मूलांक 8, 17 और 26 होती है, जिनका मूलांक 8 होता है, उनको सफलता थोड़ी शनि शनि मिलती है, क्योंकि ये शनि का देव है, शनि इनका जो मूल ग्रह है, तो इनको जी जीवन में सफलता भी थोड़ी शनि शनि मिलती है, एकदम जल्दी से नहीं मिलती, जी तो लेकिन इनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आज उनके लिए भी पॉजिटिव डे है, जी और जो पीछे इनके जो दिक्कत आ रही थी वो आज कहीं ना कहीं दूर होने का संकेत दिख रहा है। जी शनि के लिए कहा गया है शनि शनिश्चर शनैश्चर, इसलिए शनि वालों को सफलता थोड़ी देर से मिलती है। और अब बात करते हैं बिल्कुल मूलांक 9 यानी मंगल प्रभावित लोगों की।
उनके लिए कैसा दिन होगा आज का? मूलांक लो यानी 9, 18 और 27, इन तारीखों को जन्मे लोगों का मूलांक 9 है और यह मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो मूलांक 9 वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आज उनकी कहीं ना कहीं सेहत जो है इफेक्टिव हो सकती है। वैसे भी आजकल फिर से कोरोना धीरे धीरे फैल रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो 9 मूलांक वाले खास अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर से बाहर ना जाए और घर में ही रहे और अपनी सेहत का खास। नौ तो अब संख्याएं समय है पूरी हो टिप गई हैं, ऑफ द अब नंबर डे। है स्पेशल टिप्स का। तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्पेशल टिप्स का। संगीता जी आप बताएं कृपया दर्शकों को कि स्पेशल टिप्स क्या है आज की। हाँ, आज मैं अपने दर्शकों को जो जिनका मूलांक 1 है उनके वो अपने को कैसे इनहेंस कर सकते हैं अपनी डेट को और कैसे और खुशियां पा सकते हैं उसके लिए ये बताना चाहूंगी कि अगर उनके घर में कहीं ना कहीं पानी का सोर्स, जैसे पानी की मोटर से अगर पानी भर रहे हैं या पानी की टंकी है या पानी का नल टैप में से पानी टप टप करता है, अगर इनमें कहीं रुकावट है तो इनकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब होती। तो मैं ये इनको बताना चाहूंगी कि ये सबसे पहले एक तो अपनी ये घर की इन चीजों को हमेशा ठीक रखें। घर की इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं अगर बल्ब कोई फ्यूज हो गया है या कहीं इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग की कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक रखें, क्योंकि सूर्य है और ये एनर्जी है, एनर्जी का नंबर है, तो इनको ठीक रखना इनके लिए बहुत जरूरी है कि कभी भी घर में जो बल्ब है वो बुझा हुआ ना रखें। और दूसरा इनके लिए एक खास टिप ये है कि ये लोग एवरी संडे शनिवार के दिन अपनी बालकनी से अगर इनको सूर्य दिखता है या अपने छत में जाके कहीं भी जाके वह सूर्य को पानी ग्रहण करें, सूर्य को जल अर्पण करें और केसर का तिलक लगाएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी एनर्जी हमेशा बनी रहती है और वे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते और जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत अच्छा। तो ये टिप थी 1 मूलांक वाले लोगों के लिए। तो 19 अगस्त के अंक ज्योतिष के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। संगीता जी को आप सभी दर्शकों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।